तो आपका सर दर्द है। आपको जब आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले आप समझते हैं कि आपके हाथ में चैतन्य की लहरियां बैठी। कुरान में लिखा है कि जब कियाम आएगा, जब तुम्हारा ऐसा समय आएगा कि पूरी तरह से आदमी बदल जाएगा, यही कियामा, उस समय आपके हाथ बोलेंगे, ये मोहम्मद साहब ने लिखा है, और आपके खिलाफ शहादत देंगे, ये मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ। लेकिन कितने मुसलमान सहज में आएंगे या कितने हिंदू सहज में आएंगे, ये परमात्मा जानता है। उससे तो रशियन अच्छे, जिन्होंने कभी कोई धर्म नहीं जाना, कभी भगवान नहीं जाना, कभी कृष्ण को नहीं जाना, राम को नहीं जाना, वो खट से सहज में आ गए और जम गए, सबके सब जम गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनमें जड़वाद नहीं है, मटेरियलिज्म नहीं है। हमारे यहां तो जड़वाद ही भी खा गया, उसमें तरह तरह की गंदगी आती है। आज जड़वाद ने हमारे देश को भी जकड़ लिया। मैं मानती हूं कि संसार में जो आप रह रहे हैं, आपको जीने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन सहज में आते ही आपके सामने लक्ष्मी खड़ी। लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप समझना चाहिए, वो शराबियों के पास नहीं आती और जुगारियों के पास भी नहीं आती, और जो बदतमीज इंसान होते हैं उनके पास भी नहीं आती। आपको अगर आप लक्ष्मीपति हैं तो दिखाई देगा कि आप लक्ष्मीपति, एक तबीयत बदल जाती, और वो तबीयत कंजूसीपना और दूसरों को नीचे दिखाना छोड़ करके एक बहुत ही उदार उदात ऐसी एक हस्ती, एक पर्सनालिटी बन जाती, और उसका जो मजा है वो हजारों चीजें होने पर भी नहीं। फिर आप कला को समझते हैं, आप गरीबों को समझते हैं, आप सब चीज को समझते हैं, और उनके लिए क्या भला है ये भी सोचते हैं। एक दूसरा ही जीवन शुरू हो जाता है और आपका जीवन भी खुशहाल रहता है, आपके घर में भी सौख्य रहता है। अब एक बात है, हम लोग शांति की बहुत बात करते हैं, आजकल तो बहुतों को शांति का अवार्ड भी मिलता है। अब इन लोगों को भी मैं जानती हूँ, कुछ मेरा नसीब ऐसा है कि ऐसे भी लोग मिलते हैं मुझे। उनके शांति कहां से होगी? वो तो इतने गुस्सेले लोग हैं कि उनसे आप बात नहीं कर सकते। उनके पास जाइए तो बीच में कुछ डंडा वंडा लेके जाइए, नहीं तो आप पे कब बिगड़े पता नहीं। और इनको शांति के अवार्ड मिलते, जिसके अंदर शांति नहीं वो कौन सी शांति बाहर दे सकता है, बताइए। आपकी शांति का स्थान अंदर है, तो कुंडलिनी के जागरण के वक्त उस स्थान पर, उस मौके पर आप पहुंच जाते, वो आपका मुकाम जहां आप शांत हो जाते हैं। वो इस प्रकार की एक विचार उठ के गिर जाए, दूसरा विचार उठकर गिर जाए, आप हर समय नाचते रहते हैं, या तो भविष्य की ओर और या तो भूतकाल के, सब विचार वहीं से आते। वर्तमान में आप खड़े नहीं हो सकते। अगर आपसे कहा जाए इस वक्त आप वर्तमान में खड़े नहीं हो सकते, आपका चित्त फौरन आगे जाएगा या पीछे जाएगा, इस क्षण आप वर्तमान में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार हटके लंबे हो जाते हैं और बीच की जो जगह है वहां आप स्थित हो जाते हैं। यही शांति का स्थान, जहां आप निर्विचार हो जाते हैं। तो पहली स्थिति है जिसमें आप निर्विचार समाधि को प्राप्त करते हैं सहज में। लेकिन निर्विचार होते हुए भी आप समाधि माने पूरे सतर्क, ये नहीं कि उस वक्त आप बेहोश, पूरी तरह से होश बढ़ गया, हर चीज नई तरीके से दिखाई देने लगते। यह स्थिति पहले आती है, और जब यह कनेक्शन आपका पक्का हो जाता है
इस सर्वव्यापी शक्ति के साथ पूरी तरह से तब आपको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है और इससे आप दुर्बल नहीं सबल हो जाते, क्योंकि आपकी शारीरिक जो कुछ भी व्यथाएं हैं वो ठीक हो जाती। यह बात बिल्कुल सही है कि जो लोग एक बार सहज में आए वो बीमारी से छुटकारा पा गए और बाद में बीमार नहीं हुए, ये बात बिल्कुल सही। और ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका इलाज डॉक्टर लोग कर ही नहीं सकते, इसका मतलब नहीं है कि सब डॉक्टरों के पेट पर पैर आएगा, ये कभी नहीं, क्योंकि अधिकतर जो रईस लोग होते हैं बहुत ज्यादा वो डॉक्टरों के ही पास जाएंगे ना, उनके पास पैसा होता है तो वो डॉक्टर खरीद सकते हैं, मुझे तो खरीद नहीं सकते। लेकिन कुछ रईस लोग भी आते हैं, मानसिक स्थिति बहुत लोगों को खराब है। आजकल एक बीमारी चली है स्ट्रेस, जो देखो उसे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आप जब कार्यान्वित होते हैं तो आपके अंदर अहम भाव बढ़ता है और वो सर पे छा जाता है एक शिरस्त्राण जैसी यहां पर। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो इस ब्रह्मरंध्र को छेद देती है और मानो एक छेद सा जिसमें से आपकी सारी परेशानियां आपका सारा स्ट्रेस निकल जाता है और आप महसूस कर सकते हैं कि आपके सर के अंदर से ही ठंडी ठंडी हवा आ रही, उसमें शंका करने कोई बात नहीं, क्योंकि आप ये सब हैं, ये आप ही की शक्ति है, आप ही के अंदर से ही जागृत हुई और आप ही को इसने आशीर्वादित किया। समझ लीजिए कि आपकी अपनी व्यक्तिगत मां है, आपके बारे में सब जानती है, जैसे टेप रिकॉर्ड होता है ऐसे इसने अपने अंदर सब आपके बारे में जान रखा और वही आपको पुनर्जन्म देती है और आपका दूसरा जन्म होता है जिसके लिए वो लाल आई थी। इसमें हमारा आपका कोई लेना देना नहीं बनेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि आपकी शक्ति है। अब समझ लीजिए कि एक दीप जला हुआ और उसने अनेक दीप जला दिए तो उसमें उस दीप का क्या लेना देना बना रहा, इसलिए इसमें कोई भी आभार किसी को मानने की बात नहीं है, उल्टे हमें आपके आभार मानने हैं कि आप लोग आए और अपने आत्म साक्षात्कार के इच्छा से यहाँ बैठे रहे। इतने देर कोई बैठते भी नहीं लोग आजकल को, तो पता नहीं क्या आदत लग गई है कि वो आराम से इतनी देर शांति से बैठते भी नहीं। बहरहाल जो भी हो यह आपका अपना अधिकार है। और फिर सबसे बड़ी बात जो होती है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति का मतलब यह है कि आप एक बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं। आपके हाथों में अनेक शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं, आप भी लोगों को पार करा सकते हैं और आप भी लोगों को रियलाइजेशन दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ रुपया खर्च करें या कुछ करें, सिर्फ एक बात है कि थोड़ी नम्रता जरूर होनी चाहिए। अब हमारे जो जहां पर ये लोग प्रोग्राम वगैरह करते हैं बहुत सर्वसाधारण तरह की जगह है, उसमें क्योंकि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं ना, उसमें जैसे भी है बहुत विद्वान लोग हैं और आपको सब बता देंगे कि आपके अंदर चक्र कैसे हैं और वो चक्रों की शुद्धता कैसी करनी है और आप किस तरह से इसको पा करके दूसरों की चक्रों को ठीक कर सकते। तो आपका जो नया आयाम आता है उसे कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, माने आपके हाथ पर आप महसूस कर सकते हैं अपने चक्र और अपने ही हाथ पर आप दूसरों के चक्र भी महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि हम अपने चक्र कैसे ठीक करें और हम दूसरों के चक्र कैसे ठीक करें, बस हो गया, एक महीने में आप अपने गुरु हो जाते हैं।